वेलकम टू पेट कोडिंग सी यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में रेंज एडिशन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। रेंज एडिशन प्रीफिक्स सम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीफिक्स सम बेस्ड, राइट। सो प्रीफिक्स सम के इंट्रो वीडियो आ चुकी है, इन केस आपने नहीं देखा तो उसे पहले देख लो, उसका ये एप्लीकेशन है। ओके, सो क्वेश्चन समझते हैं। ऐसा दे रखा है कि यार आपके पास एक एन साइज एरे है, लेट्स से एन टेन है। सो टेन साइज आपके पास एक एरे है, टेन साइज, जिसमें सभी इंडेक्स पे इनिशियली जीरो है, राइट, सभी जगह जीरो अवेलेबल है। देन आपके पास कुछ के क्वेरीज आ रखी है, क्वेरीज किस फॉर्मेट में, कुछ ऐसा दे रखा है कि भाई इस गिवन लेफ्ट से इस गिवन राइट, इस लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स तक एक गिवन वैल इंक्रीज कर दो, मतलब जीरो से फाइव प्लस टू कर दो। सो जीरो से फाइव सभी इंडेक्स पे प्लस टू हमें करने को बोल रखा है। देन नेक्स्ट क्वेरी फोर टू सेवन, मीनिंग फोर्थ इंडेक्स टू सेवन्थ इंडेक्स इंक्लूडिंग फोर एंड सेवन, सभी इंडेक्स पे माइनस वन कर दो, माइनस वन इंक्रीज कर दो और वन की डिक्रीमेंट कर दो, राइट। सो यहाँ पे समथिंग माइनस वन माइनस एंड सो ऑन, ऐसी के क्वेरीज दे रखी होंगी, सभी को आपको प्रोसेस करना है, राइट। सो पहले तो बहुत ही सिंपल लगता है, क्या इसमें करना ही क्या है, डायरेक्टली जाओ सभी क्वेरी को सॉल्व कर दो, डायरेक्टली जाओ सभी क्वेरी को सॉल्व कर दो, मीनिंग भाई ये रही क्वेरी नंबर जीरो, यहाँ पे गए मैंने लिखा जीरो से फाइव है, तो जीरो से फाइव तक लूप लगाऊंगा एंड सभी इंडेक्स पे टू प्लस कर दूंगा। देन नेक्स्ट क्वेरी फोर से सेवन, सो फोर इंडेक्स से स्टार्ट करो एंड सेवेंथ इंडेक्स तक जाओ एंड सभी पे माइनस वन कर दो। नेक्स्ट टू टू एट, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, एट इंडेक्स तक जाओ एंड सभी जगह प्लस थ्री कर दो, एंड सो ऑन। ऐसी सभी क्वेरीज को अगर आपने प्रोसेस कर दिया तो यही तो हमें करने को बोल रखा, राइट। बट ऑफकोर्स ये लॉजिकली सही है, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इशू है। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज क्या इशू है भाई, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी एन इंटू के। अगर ऐसे आप कुछ करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन इंटू के। एन इंटू के कैसे हो जाएगी, सभी क्वेरीज के लिए, एक गिवन क्वेरी के लिए आप वर्स्ट केस में कंप्लीट एरे को ट्रैवल करोगे। मतलब लेट्स से हमारी क्वेरीज ऐसी होती, जीरो से नाइन पे वन, जीरो से नाइन पे टू, जीरो से नाइन पे थ्री, जीरो से नाइन पे फोर, समथिंग ऐसी क्वेरीज होती। तो आप एक गिवन क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एरे के सभी इंडेक्स पे जाते हैं एंड वहाँ पे गिवन वैल्यू को प्लस और माइनस कर देते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। सो एक गिवन क्वेरी के लिए आपने ओ ऑफ एन का काम करा, के क्वेरीज है सो ओ ऑफ एन इंटू के का काम करोगे, राइट। बट इसे हम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं, एन प्लस के में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एन प्लस के, एन इंटू के की जगह सिर्फ एन प्लस के में सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट। सो वो हम देखते हैं कि वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो उसके लिए मैं क्या करना होगा, समथिंग ऐसा कि भाई सभी क्वेरीज पे वन बाय वन जाओ, ये रहा जीरो एथ क्वेरी, इसमें मैं गया। अब जीरो से फाइव पे ट्रैवल करने की जगह पता मैं क्या करूँगा, जो स्टार्ट इंडेक्स है वहाँ पे मैं जो गिवन वैल्यू है उसे एज इट इज प्लेस कर दूंगा एंड जो राइट इंडेक्स है, लाइक राइट मोस्ट इंडेक्स है उसके प्लस वन पे, अगर फाइव राइट इंडेक्स है देन उसके प्लस वन पे माइनस ऑफ वैल को रख दूंगा। क्या जीरो पे प्लस टू रख दिया एंड फाइव प्लस वन सिक्स इंडेक्स पे माइनस टू रख दिया, इससे फायदा क्या होगा, ये देखो सभी क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली मैं ये जो एरे है इसका प्रीफिक्स सम लेने वाला हूँ। एक बार अभी के लिए लेट्स से कि मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेरी होती, ऐसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही क्वेरी है, अगर सिर्फ एक ही क्वेरी होती, ये सभी नहीं है, तो अब मैं अगर प्रीफिक्स सम लूंगा तो देखना कैसे सिर्फ जीरो से फाइव तक प्लस टू हो जाएगा। प्रीफिक्स सम क्या होता है, जीरो एथ इंडेक्स पे एज इट इज रख दो देन इन दोनों का ऐड, फिर इन दोनों का ऐड, ऐड ऐड ऐड, फिफ्थ इंडेक्स के बाद मुझे टू नहीं चाहिए, पता है मैंने क्या कर रखा है, फिफ्थ इंडेक्स के जस्ट बाद, जिसके बाद मुझे टू नहीं चाहिए था, टू के काउंटर पार्ट को रख रखा है। अब जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो मैंने क्या करा, जिस रेंज में मुझे जो नंबर चाहिए था उस रेंज के स्टार्टिंग में उस नंबर को रख दिया। अब जब प्रीफिक्स सम लेता हुआ जाऊंगा तो क्यूमुलेटिव आता जाएगा, बट मुझे लास्ट तक नहीं चाहिए, मुझे तो फिफ्थ इंडेक्स तक ही चाहिए था, तो मैंने फिफ्थ इंडेक्स के प्लस वन पे उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को भी रख दिया था, जिसने आपके टू को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो जिस रेंज में आप टू चाहते थे उसी रेंज में आ रखा है सिर्फ, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समथिंग ऐसा कर रहा हूँ कि भाई अगर आपका एरे है तो एरे ऑफ जो लेफ्ट इंडेक्स है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे एज इट इज वैल को रख दो एंड एरे ऑफ राइट प्लस वन पे माइनस ऑफ वैल को रख दो। ऐसे आप सभी क्वेरीज के लिए करो, एक लूप लगा लो, कहाँ से कहाँ तक, सभी की क्वेरीज के लिए, वन से जितने भी क्वेरीज है सभी के लिए लूप लगा लो, लेफ्ट पे वैल को रखते ना
एंड राइट प्लस वन पे उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को रख देना। ऐसा सभी क्वेरी को के लिए आप कर दोगे इंडिविजुअली, लाइक सभी क्वेरी के लिए वन बाई वन आप कर दोगे, एंड अल्टीमेटली जब आप परफेक्ट सम लोगे तो सभी ने अपने अपने गिवन रेंज में ही उसका इम्पैक्ट डाल रखा होगा। ठीक है, सो मैंने प्लस टू माइनस टू रखा। नेक्स्ट क्वेरी सभी के लिए एक बार प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी फोर से सेवन, तो मैं क्या करूंगा फोर पे जाकर माइनस वन वैल को एज इट इज रख दूंगा, सेवन प्लस वन एट इंडेक्स पे जाकर माइनस वन के काउंटर पार्ट को रखूंगा, तो माइनस वन का काउंटर पार्ट इज माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज प्लस वन। सो जब हम प्रीफिक्स सम ले रहे होंगे तो प्लस टू अपना काम कर रहा होगा अपने सभी बॉक्स पे पॉइंट प्लस टू करके, एंड सिक्स इंडेक्स पे जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। माइनस वन अपना काम कर रहा होगा, वो फोर से फाइव पे अपना सिक्स पे लेकर जाएगा, सेवन पे जाकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा। राइट, सो हम सभी क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद एक फाइनली बस परफेक्ट सम ले लेंगे। सो टू से एट मैं क्या करूंगा सेकंड इंडेक्स पे एज इट इज रख दो, एट प्लस वन नाइन्थ इंडेक्स पे काउंटर पार्ट नेगेटिव काउंटर पार्ट सच डैट उसके बाद वो इम्पैक्ट ना दे पाए। राइट, नेक्स्ट क्वेरी जीरो से नाइन, सो जीरो इंडेक्स पे प्लस वन रख दो, नाइन प्लस वन टेन, क्योंकि टेंथ इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे एक इफ लिख दोगे कि यार क्योंकि टेंथ इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, मुझे इसके बाद वन के इम्पैक्ट की जरूरत नहीं है, ये वाली जो वन है इसके इम्पैक्ट की जरूरत नहीं, इसके बाद बॉक्स ही नहीं, इसके बाद के आंसर से हमें मतलब ही नहीं है, तो माइनस वन रखने की जरूरत नहीं है। राइट, सभी को कर दिया। अब प्रीफिक्स सम ले लो, अब प्रीफिक्स सम लेना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे पता है क्या रखोगे, टू प्लस वन थ्री, यहाँ पे थ्री हो गया होगा। राइट, सो यहाँ पे आपने थ्री कर दिया, इस थ्री को इस जीरो में ऐड करोगे, मतलब वन का इम्पैक्ट भी फर्स्ट इंडेक्स पे रख दिया एंड टू का इम्पैक्ट भी फर्स्ट इंडेक्स पे रख दिया। देखो दोनों का फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है। देन थ्री प्लस थ्री सिक्स, क्या वन एंड टू का कैरी ओवर तो आपने करा ही, बिल्कुल सही बात है, जो सेकंड इंडेक्स से थ्री स्टार्ट करा था उसे भी ऐड कर दिया, उसका भी यहाँ पे आने वाला है। फिर सिक्स प्लस जीरो, थर्ड इंडेक्स पे प्लस टू का भी इम्पैक्ट आएगा, प्लस वन का भी आने वाला है एंड प्लस थ्री का भी। राइट, देन सिक्स माइनस वन फाइव, तो पता क्या हुआ, जो तीन बंदे इम्पैक्ट अभी दे रहे थे प्लस टू प्लस वन एंड प्लस थ्री, इसमें से वन इसमें एक न्यू इम्पैक्ट ऐड हो गया। एक न्यू इम्पैक्ट कौन सा ऐड हो गया, फोर से सेवन का, कि भाई फोर से सेवन पे माइनस वन आ रखा है तो उस माइनस वन को हमने कॉन्ट्रीब्यूट ऐड कर दिया। फाइव प्लस जीरो फाइव, अगेन इन चारों का इम्पैक्ट। फाइव माइनस टू थ्री, यहाँ माइनस टू है, पता क्या हुआ भाई, अब टू आगे कैरी ओवर नहीं कर पाएगा, एंड पॉइंट आ रखा है, तो इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अब सिर्फ तीन है, थ्री प्लस वन फोर माइनस वन थ्री का, थ्री प्लस वन फोर, क्या हुआ यहाँ पे माइनस वन का इम्पैक्ट खत्म हो गया। माइनस वन का इम्पैक्ट सेवन पे कैसे खत्म हो गया यार, यहाँ पे ये वन एट पे आना था, सेवन प्लस वन इंडेक्स पे एट पे आना था, अभी खत्म नहीं होगा, अभी खत्म नहीं होगा, थ्री प्लस जीरो थ्री है। राइट, फिर एट्थ इंडेक्स पे, एट्थ इंडेक्स पे हमने प्लस वन कर दिया, सो फोर, एट्थ इंडेक्स पे थ्री प्लस वन फोर, कि भाई जो यहाँ पे माइनस वन आप कैरी ओवर करते जा रहे थे अब उसे करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ फोर है, फोर माइनस थ्री वन, यहाँ पे माइनस थ्री खत्म, भाई थ्री जो आप एट्थ इंडेक्स तक लेकर आए थे वो हो लिया, अब और करने की जरूरत नहीं है। राइट, एंड इसका इम्पैक्ट खत्म नहीं होना था, इसका हो रखा था यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा फाइनल आ रहा है, इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। सो जीरो एथ इंडेक्स पे थ्री है, जीरो एथ इंडेक्स पे इन दोनों की वजह से थ्री है, फर्स्ट इंडेक्स पे थ्री अगेन इन दोनों की वजह से, सेकंड इंडेक्स पे सिक्स है, सेकंड इंडेक्स पे सिक्स किसके किसके वजह से, यहाँ, थर्ड इंडेक्स पे सिक्स है अगेन इन्हीं तीनों की वजह से, फोर्थ इंडेक्स पे फाइव है सभी की वजह से, सभी का इम्पैक्ट फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है, थ्री प्लस टू फाइव वन सिक्स माइनस वन फाइव, फिफ्थ इंडेक्स पे भी फाइव सभी की वजह से, सभी में फाइव है, सिक्स्थ इंडेक्स पे थ्री है, सिक्स्थ इंडेक्स पे थ्री पता है किसकी वजह से, इन तीन की वजह से, सिर्फ ये सिक्स इंडेक्स पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। राइट, सेवेंथ इंडेक्स पे अगेन थ्री इसके बिना सिर्फ, एट्थ इंडेक्स पे फोर है, एट्थ इंडेक्स पे फोर पता है इन दोनों की वजह से, सिर्फ इन दोनों में एट इंक्लूडेड है, थ्री प्लस वन, नाइन्थ इंडेक्स पे वन, नाइन्थ इंडेक्स पे वन पता है किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, बाकी किसी में भी नहीं है। राइट, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता क्या हो गई, ओ ऑफ के, ओ ऑफ के क्यों, एक क्वेरी के लिए मैं दो बॉक्स पे, कौन कौन से बॉक्स पे, लेफ्ट पे वैल को एज इट इज रख दो एंड राइट प्लस वन वाले इंडेक्स पे उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को रख दो, तो ऐसे के बंदों के लिए ओ ऑफ वन के काम करे मैंने, ओ ऑफ के, एंड फाइनली मैंने एक बार प्रीफिक्स सम लिया जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है, सो दिस इज एन प्लस के, सो एन इन टू के से हमने बेटर एन प्लस के में इसे सॉल्व कर दिया। राइट, एंड यही एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ओके, सो इसे कोड कर लेते जल्दी से,
कि सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे हमारे पास एरे लेंथ गिवन है एंड एक 2D एरे में वही क्वेरीज गिवन है, अपडेट्स गिवन है, कौन कौन से अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक आंसर एरे बना लिया, नॉट कैपिटल, नो एंड लेंथ के इक्वल जितनी लेंथ गिवन है, सो एन लेंथ एरे चाहिए तो एन लेंथ एरे हमने क्रिएट कर दिया। ओके अब हम इस अपडेट्स पे लूप लगाने वाले हैं। सो आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन अपडेट्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, सी मैंने कर दिया, अपडेट्स पे लूप लगा दिया। अब अपडेट एरे के एक गिवन रो में तीन चीज़ें, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड वैल, तो तीनों ही निकाल लेते हैं। सो स्टार्ट इंडेक्स और लेफ्ट, जैसे मैंने यूज़ करा था, स्टार्ट इंडेक्स और लेफ्ट कुछ भी कह लो, दैट इज़ नथिंग बट अपडेट्स ऑफ आईथ रो एंड जीरोथ कॉलम। देन एंड इंडेक्स इज नथिंग बट, डेटा हमारा एंड इंडेक्स आईथ रो का फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज एंड इंडेक्स। फिर फाइनली हमारे पास वैल, वैल इज नथिंग बट आईथ रो का सेकेंड कॉलम, दिस इज वैल जिसे आप अपडेट करने वाले हो, जिसे आप सभी इंडेक्स पे प्लस और माइनस करना चाहते हो, लाइक प्लस वैल्यू है तो प्लस कर दो, माइनस टू है तो माइनस टू करते हो। ओके सो प्लस वैल्यू, ओके इसमें हमें क्या करना है, सो आंसर ऑफ स्टार्ट इंडेक्स पे, आंसर ऑफ स्टार्ट इंडेक्स पे ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, आंसर ऑफ स्टार्ट इंडेक्स पे क्या ऐड कर दो, सिंपली वैल को। एंड यहाँ पे एंड इंडेक्स पे हम क्या करने वाले, आंसर ऑफ एंड इंडेक्स प्लस वन पे क्या कर दो, माइनस ऑफ वैल, सो माइनस ऑफ वैल कर दो, सो माइनस इक्वल टू जो भी वैल है। ओके सो ये हमने माइनस कर दिया, बट एंड इंडेक्स पर डायरेक्टली नहीं करना, इसमें हमें एक चेक लगाने की जरूरत है कि भाई जो एंड इंडेक्स है अगर वो स्मॉलर देन है, कितने किससे स्मॉलर देन है, आंसर डॉट लेंथ से, तभी करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हमने कर दिया फॉर लूप, यहाँ पे हो लिया खत्म। जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्रीफिक्स सम लेना है। तो प्रीफिक्स सम ले लेते हैं हम, इसे एरे में ले लेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई स्मॉलर देन आंसर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई प्लस आंसर ऑफ आई प्लस वन। सो ये हमने प्रीफिक्स सम ले लिया पुराने वाले वैल्यू से, अभी वाले वैल्यू को ऐड करके उसे उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दिया, राइट। सो यहाँ पे अब रिटर्न कर दो आंसर, सो रिटर्न कर दिया हमने आंसर। सो आई गेस इसे रन करके देखते हैं, कौन सी लाइन में फूट गया ये, 18 में एंड इंडेक्स आउट ऑफ कौन क्यों दिखा रहा, एंड इंडेक्स प्लस वन स्मॉलर देन आंसर डॉट लेंथ चाहिए ना, क्योंकि मैं प्लस वन पे प्लेस कर रहा हूँ, बिल्कुल। सो अब रन करते हैं इसे, जी जिस इंडेक्स से प्लस कर रहे हैं वो हमारे रेंज। सो ये हो गया सबमिट। ओके सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी प्रीफिक्स सम एंड प्रीफिक्स काउंट बेस्ड होगा एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ओके।